फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। कृष्णनगर वार्ड के कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप कुमार पहुंचे सफेदा झुग्गी में, जनता से मांगा समर्थन। जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि सोमवार की सुबह 9 बजे पहुंचे हैं कृष्णनगर वार्ड से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप कुमार और कृष्णनगर वार्ड अध्यक्ष धीरज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ सफेदा झुग्गी में, जहां जनता के बीच जाकर जनता से समर्थन मांगा। कहा कि केजरीवाल सरकार ने झुग्गी बस्तियों के लिए अभी तक कोई काम नहीं किया और इस बार छठ भी नहीं मनाने दी। वहीं भाजपा पर भी आरोप लगाया कि निगम के अंदर 15 साल राज किया भाजपा ने, मगर झुग्गी बस्ती के अंदर नहीं आई, ना ही नालियां बनाई। पहले शीला दीक्षित की सरकार थी जो 15 साल रही, उसने अच्छा काम किया था, मगर जब से शीला दीक्षित की सरकार खत्म हुई है उसके बाद दिल्ली के अंदर कहीं भी कोई काम ठीक से नहीं किया है। कहा कि दिल्ली एमसीडी के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सारी समस्याएं दूर होंगी और नालियां बनेंगी, खरंजे बनेंगे और झुग्गी बस्ती वासियों के लिए जो भी परेशानी थी वो सारी परेशानियां खत्म होंगी। अगले छठ पूजा में हम कराएंगे, ये हमारा वादा है। इस टाइम पे सर पब्लिक का हित न देखते हुए दोनों प्रचार और अनुपचार के एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की नारी किया कर रहे हैं। देखिए छठ मैया एक ऐसी तो हमारी अमानता है हमारे भाइयों की कि हमारा सब कुछ अन्नदाता, हमारी माँ, हमारा जो कुछ है सब कुछ यही है और ये हमारी आस्था के साथ भी खेल रहे हैं। हमारे क्षेत्रीय विधायक से इतना भी नहीं होता कि इनके लिए एक त्यौहार मनाया जाए। केजरीवाल जी स्टारडम राजनीति करते हैं, केजरीवाल राजनीति के अलावा कुछ नहीं करता, किसी की आस्था से उसको मतलब नहीं, उसको सब वोट से मतलब है। लोगों को ये हमेशा बेवकूफ बना रहा और कुछ नहीं कर रहा, लेकिन हम प्रॉमिस करते हैं अगर हमारी एमसीडी में सरकार आई श्री अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ छठ मैया का त्यौहार इसी जगह पे बनेगा और सब भाई मिलकर मनाएंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ये मेरी जबान है। आज आपसे सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी, मुझे जीत मिलेगी, मैं जीत के अंदर सारे काम करूंगा। ये मैं इनसे वादा करके जब नालियां भी बनेंगी, सड़कें भी बनेंगी, जहाँ गंदगी है जहाँ कूड़े ढेर है सब ठीक हो जाएंगे। मैं इनको भाषण देके जा रहा हूँ, करूंगा ये काम। भाई हम ज्यादा दूर नहीं जाते, ये तो गंदगी तो चारों तरफ फैली हुई है, ये तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। अभी आप मेरे साथ चलेंगे, मैं अभी एक कदम पे ही आपको गंदगी दिखा दूंगा। इससे देखिए आप, इन लोगों ने कोरोना के अंदर भी त्राई त्राई करी, हमारे जो हमारे भाई हैं कोरोना के अंदर भी इतने लोग गए हैं, इन लोगों ने कई सूद नहीं ली। हमारे जो केजरीवाल जी कहते हैं कि मैंने खाना फ्री दिया, अब खाना फ्री जो दिया वो तो भैया एक कुत्ता भी ना खाए और तुमने एक इंसान के लिए तुम खाना दे रहे हो फ्री। हमारे कोरोना में हमारे कांग्रेसी भाइयों ने घर घर जाके खाना दिया, हमारे अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में हमारे को एक ऐसा अध्यक्ष मिला जिसने हमारे को जमीनी स्तर पे हमारे को चलने का एक मौका दिया और हमारे को आगे बढ़ने का मौका दिया। देखिए ये जनता बीच में भी गीता बहन जी थी वो कह रही कि जो डॉक्टर वालिया जी यहाँ शौचालय बना गई, जो बंसी लाल जी शौचालय बना गई वही सुविधा आज तक इनको मिली है, ये यहीं की रहने वाली है, आज तक उनको ये मेंटेन नहीं कर पाए। दूसरी बात, इनको रोजगार के नाम से बेवकूफ बनाया गया, इनको रजिस्ट्रेशन तो करा दिया और उसमें घोटाला भी सामने आ गया, इनको किसी को उस चीज में फायदा नहीं हुआ। लोगों को पेंशन के लिए पूछिए ना इनसे, नहीं आ रही है, सिलेंडर महंगा कर दिए, इसमें पार्षद अभी पार्षद थे बीजेपी के तो उन्होंने कितना काम किया था, बीजेपी का कपूर तो यहाँ आए नहीं, आए नहीं, कल परसों दिन में किसी ने साथ नहीं दिया। तो अब आपके प्रत्याशी आए कांग्रेस के, क्योंकि जो भी जीत कर जाते हैं वापस कोई लौट के आते नहीं है। इससे पहले जो निगम पार्षद रहे भाजपा से कितनी बार आए, कोई भी नहीं आते। विधायक आपके यहाँ पर जो भी नहीं आते, इनको झुग्गियों के नोटिस आए हुए, आप बताए कि नोटिस भी आ चुका है, मार मार हुआ है, किस बात की नोटिस आया आपके पास आए हैं? कांग्रेस जो कांग्रेस ने कराए ना वो किसी ने ना कराए, मैं कांग्रेस के साथ ही कम से कम 20 साल मैंने काम कराए बंसीलाल भाटिया के साथ, जो कांग्रेस के कांग्रेस की जगह बनी हुई है, आज तक किसी ने कुछ ना करा है, जो कांग्रेस ने करा है वो किसी ने ना करा।